बोलता राम राधे श्याम बोलता राम। भी दिन को मन की चोला भज करा, भी दिन को मन की चोला भज करा। Yeah.
चटनी आप चटनी जाता जूनी जप राम नाम अंत मा पछताना जूनी जप राम नाम अंत मा पछताना ओ जूनी जप राम नाम अंत मा पछताना जूनी जप राम नाम अंत मा पछताना नाम को बोल क्या च सच करा वेदव्यास उनकी उपाधि है, उनका नाम है कृष्णद्वैपायन। इससे पहले और लोग भी व्यास रह चुके हैं, तो ये वैसा ही है जैसे मान लो ये 5 वर्ष तक कोई अलग मंत्रिमंडल था, अलग प्रधानमंत्री थे, अब चुनाव होंगे इसके बाद फिर आएंगे तो क्या पता दूसरे प्रधानमंत्री, बोलो आप लोग बताओ जोर से बोलो, इंद्र है तो उनका नाम क्या है, नाम बताए आपको? अरे वो तो वैसे ही है जैसे हम पूछे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और आप कहे कि मुख्यमंत्री, अरे हम कहे नहीं नहीं नाम, आप कहे नहीं नहीं मुख्यमंत्री। तो स्वर्ग की कुर्सी पर जो बैठे हैं उनके ऊपर पद है, उनके पद का नाम है इंद्र, उनका नाम क्या है? तो बोले उनका नाम है पुरंदर, उनकी पत्नी का नाम है शची, और एक इंद्र का शासन काल यहाँ श्रीमद् भागवत के कल तो समय नहीं लगा, तीसरे स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय जी के उपाख्यान में समय का वर्णन है, और उस समय के वर्णन में कहते हैं कि एक मनवंतर तक, एक मनवंतर यानी कितना समय, तो 71 चतुर्युगियां, यानी जब 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग बीतते हैं तो उस समय काल को एक मनवंतर कहा जाता है, और एक मनवंतर तक स्वर्ग में एक इंद्र होता है, और हर मनवंतर में इंद्र बदलते हैं, पिछले मनवंतर में दूसरे इंद्र थे, इस बार दूसरे हैं, अब अगले इंद्र कौन है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि चुनाव जब होगा उसके बाद पता चलेगा, वहां तो भगवान ने व्यवस्था बना रखी, अगले मनवंतर के इंद्र कौन है, बोले महाराज बलि जो सुतन लोक में है, उनको भगवान ने कह रखा है अगली बार इंद्र तुम्हें बनाऊंगा। अच्छा आचार्य जी बड़ी सुंदर बात और है, ब्रह्मा जी भी बदलते हैं, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, इस समय ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हैं, और जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाएंगे तो ये ब्रह्मा जी हट जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा जी आ जाएंगे, तो एक ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, तो बोले मनवंतर 14 होते हैं, तो 14 मनवंतर और 15 संध्याएं जब व्यतीत होती हैं तो समय काल को एक कल्प कहा जाता है, और एक कल्प तक यानी एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। अब सीधी भाषा में कहूं तो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये 4 युग है ना, ये जब 1000 बार बीते तो एक कल्प होता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस संख्या से अब सोचो जब दिन इतना बड़ा है तो सप्ताह कितना होता होगा, महीना और फिर वर्ष की है, और 51 वर्ष ब्रह्मा जी को हो। और एक बात और सुनो, अगले तो कहने का आशय है हर कल्प में सब पुराण लिखे जाते हैं, शास्त्र पुनः लिखे जाते हैं, क्योंकि व्यास जी बदल गए, इस बार जो ग्रंथ लिखे वो कृष्णद्वैपायन जी ने लिखे, और उन्होंने जब कहा है तो दूसरे अलग अलग दी हुई है,
पुराण 18 तो हैं, पर आप यदि वायु पुराण के हिसाब से देखेंगे तो अलग जो 18 विशिष्ट पुराण हैं उनमें अलग नाम है। कहीं पर वायु पुराण को लिया जाता है और कई जगह शिव पुराण की जो वायवीय संहिता है उसमें वायु पुराण को समन्वित कर दिया जाता है और वायु पुराण को पुराणों में नहीं गिना जाता। सनातन शास्त्र इतना संक्षिप्त नहीं है, बड़ा हमें संशय नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। जब आप भगवान की चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तब प्रश्नों का समाधान होता है। लेकिन हमने देखा समाज में इन्हीं प्रश्नों को लेकर शास्त्र के लिए तो भगवान व्यास ने ब्रह्म सूत्र के तीसरे सूत्र में कहा, शास्त्र योनित्वात् जगत का सबसे बड़ा प्रमाण अनुभव प्रमाण हो रहा है। कई लोग अनुभव प्रमाण मानते हैं कि अनुभव प्रमाण कैसे गलत हो सकता है। अब बताओ, किसी को बुखार होता है तो भोजन कड़वा लगता है कि नहीं? तो क्या भोजन कड़वा होता है? कारण क्या है? अब शास्त्र कह रहा है कि भोजन ठीक है लेकिन उसे अलग दिखता है कि जिसको पीलिया हो जाए तो उसको वस्तुओं में पीलापन दिखाई देता है, तो उसके लिए तो वो प्रत्यक्ष है, उसके लिए तो वो अनुभव है, लेकिन उसका अनुभव किसी रोग जन्य है, यानी उसका अनुभव सत्य नहीं है, असत्य ही है। यही तो कारण है श्रीमद् देवी भागवत में बड़े विस्तार से कथा है। सहस्त्रार चिर सप्त सप्त मरीचिमान हरे रंग के हैं, लेकिन जब सुबह देखा गया तो घोड़े काले रंग के थे। और काले रंग के क्यों थे? क्योंकि ये घोड़ों से लिपट जाने को कहा, तो घोड़ों से काले काले सर्प लिपटे हुए थे, इसीलिए दूर से वो अश्व काले दिखाई दे रहे। तो देखने में तो ये अनुभव प्रमाण है कि प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो सकता है, अनुभव प्रमाण भी गलत हो सकता है, लेकिन कभी शास्त्र प्रमाण गलत नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र का अनुकरण करना चाहिए, शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। तो अनेक सारे चरित्र हैं ग्रंथों में पुराणों में, तो सबको लेकर संशय ना हो, सबके प्रति सम आदर। तो आप और हम चर्चा कर रहे थे भगवती के विषय में, तो भगवती का चरित्र जो है शिव पुराण में बड़े विस्तार से है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से भगवती का चरित्र का वर्णन किया है, चाहे पार्वती जी के विवाह की कथा हो, जबकि विवाह की कथा का इतना वर्णन श्रीमद्देवी भागवत में नहीं है। बहुत सारे चरित्र देखने को जगे हिमवत क्षेत्रे नेनायामिति शुश्रुम करो तुम।
जी की स्तुति करते हुए संत कहते हैं, कस्तूरी तिलकांचितेंदु विलसत प्रोद्भास भारस्थलिं कर्पूर प्रवचूर्ण मिश्र खलिरा मोदो लसत्रीटिका गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। अंत काल में सती जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं जब जब जन्म लूं शिव की ही पत्नी बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने आशीर्वाद देकर कहा, सती जी जब जब आपका जन्म होगा आप शिव की ही प्रिया बनोगे। और अगले जन्म में सती जी के जी पार्वती जी के जीवन के दो परम लक्ष्य है। क्या क्या लक्ष्य है? पहला लक्ष्य है पार्वती जी के जीवन का कि जन्म कोटि यहाँ नगर हमारी बराऊ शंभु न तरहा हूँ कुवार। विवाह करूंगी तो शिवजी से, नहीं तो जीवन भर कुवारी रहूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। और दूसरा संकल्प था अपर्णा भगवती को।
पर्ण मतलब होता है पत्ते, पर्ण का मतलब होता है पत्ते। उमहि नाम तब भयम अपर्ण। यदि पार्वती जी जो शिव को पाने के लिए तपस्या करती हैं, तो तपस्या करते करते फलाहार तक आती हैं, फलाहार छोड़ती, फिर जलाहार तक आती, फिर जलाहार भी छोड़ती हैं, फिर पत्राहार करती। पेड़ के जो पत्ते सूख करके स्वयं गिर जाए पेड़ से, उन पत्तों को खाकर पार्वती जी तपस्या करती। और एक समय आया जब पत्तों को खाना भी पार्वती जी ने छोड़ दिया और भगवती का नाम हो गया उमहि नाम तब भयम अपर्णा। अपर्णा यानी नहीं, पर्ण यानी पत्ते, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, इसलिए नाम अपर्णा हो गया। तो पार्वती जी का तो यहाँ श्रीमद् भागवत में इतना चरित्र नहीं है, एक ही श्लोक में है। और इसके तदुपरांत भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में मनु जी की वंशावली की हम चर्चा कर रहे हैं, तो तीन पुत्रियों का वर्णन तो आप और हम सुन ही चुके हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। दो पुत्र भी हैं महाराज के, बड़े हैं उत्तानपाद, फिर है प्रियव्रत। तो महाराज उत्तानपाद का चरित्र अब यहाँ शुभदेव जी सुना रहे हैं, शुभदेव जी का राजन। महाराज उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां, एक है सुनीति, एक है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं राजा की। महारानी सुनीति वन में रहती हैं और सुरुचि राजा के साथ रहती है। कहते महारानी सुनीति, वैसे तो सुनीति और सुरुचि दोनों सगी बहनें हैं। कहते हैं जब पहला विवाह महाराज का सुनीति जी से हुआ, लेकिन जब उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो सुनीति ने स्वयं अपनी छोटी बहन से ही महाराज का विवाह किया। भाई राजा है, आपको तो संतान तो चाहिए, पुत्र तो चाहिए जो राज्य को चलाए, प्रजा की देख रेख करे, इसलिए दूसरा विवाह करवाया अपनी ही बहन सुरुचि से। लेकिन समय ऐसा हुआ कि न तो सुरुचि की कोई संतान हुई, लेकिन समय सुरुचि का विवाह ही इसलिए हुआ था कि उसका पुत्र होगा और राज्य का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन हो गया उल्टा। सुरुचि को तो कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन सुनीति को एक पुत्र हो गया और उस बालक का नाम हो गया ध्रुव। तो महारानी सुनीति को एक पुत्र हो गए, उनका नाम है ध्रुव। पर ध्रुव का अर्थ तो आप जानते ही हैं, ध्रुव का अर्थ होता है अटल। लेकिन एक दिन सुरुचि को दुखी देखा सुनीति जी, और सुनीति जी बड़ी भक्त है, संतों की, ब्राह्मणों की, भक्तों, भगवान की खूब सेवा करने वाली। तो एक दिन सुनीति जी ने अपनी बहन को दुखी देखा, पूछा कि क्यों दुखी है। तो सुरुचि ने कहा कि दीदी, मैं तो विवाह करके ही इसलिए आई थी कि मेरी संतान हो, लेकिन मेरी तो हुई नहीं, तुम्हारी ही संतान हो गई। तो सुनीति ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम भगवान का भजन करो, भगवान कृपा करेंगे, तुम्हें संतान होगी। कहते एक दिन घर पर संत पधारे और माँ सुनीति ने उनकी खूब सेवा की, सेवा से संत प्रसन्न हुए। संतों ने कहा, मांगो देवी क्या चाहिए, पर सुनीति जी ने कह दिया, महाराज बस मेरी छोटी बहन है, इसकी कोई संतान नहीं, इसकी संतान हो जाए ऐसा आप कुछ करो। तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया और भविष्य में सुनीति जी के आशीर्वाद के कारण सुरुचि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। लेकिन सुरुचि के मन में तो बड़ी ईर्ष्या थी सुनीति जी के लिए। सुनीति जी ने तो संतों से आशीर्वाद में उसके लिए पुत्र मांगा, लेकिन उसके हृदय में बड़ी ईर्ष्या थी सुनीति जी के प्रति। तो राजा को सिखा पढ़ा करके और अपने वश में कर लिया, अधीन कर लिया, और सुनीति जी को जंगल भेज दिया। सुनीति जी अपने पुत्र ध्रुव के साथ जंगल में रहकर भगवान का भजन करने लगी, और सुरुचि राजमहल में महाराज के साथ अपने बालक उत्तम को लेकर रहने लगी। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ मेरे पिताजी कौन है। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, बहुत छोटे से हैं। माँ ने समझा कर कहा, बेटा पर ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है। ध्रुव जी ने कहा, माँ
मेरे सब मित्र कह रहे हैं मेरे पिताजी का नाम ये है, वो ये करते हैं, सब अपना अपना परिचय दे रहे हैं, मैं क्या कहूँ। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा दुखी ना हो, तू जानता नहीं है तेरे पिता कौन है। तेरे पिता यहाँ के राजा है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री उत्तानपाद जी महाराज तेरे पिताजी। कहते इतना सुनते ही ध्रुव जी 5 वर्ष छोटा सा मन बड़े प्रसन्न हो गए, मित्रों के पास पहुंच गए। मित्रों से कह रहे, तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी मंत्री हैं, कोई कहते हैं सेनापति हैं, कोई कहते हैं सैनिक हैं, अरे हमारे पिताजी तो यहाँ के राजा हैं, महाराज हैं। तो मित्र तो मित्र ठहरे, तो सब बालकों ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे पिता राजा हैं तो हमें भी मिलाओ। तो ध्रुव जी ने कहा, चलो इसमें क्या बात। तो अपने सब मित्रों को लेकर श्री ध्रुव जी महाराज राजमहल में पहुंच गए। अच्छा किसी ने ध्रुव जी को रोका भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि महाराज के पुत्र है। राजमहल में प्रवेश किया, कहते श्री ध्रुव जी महाराज आज राजसभा में पहुंचे और राजसभा में उत्तानपाद जी बैठे हैं, बगल में उनकी पत्नी है सुरुचि और गोद में छोटा बालक है उत्तम। राजा की दृष्टि जैसे ही ध्रुव जी पर पड़ी, महाराज पहचान गए तो मेरा पुत्र है। कहते राजा के हृदय का वात्सल्य भाव उमड़ आया, प्रेम उमड़ आया और राजा ने अपने गोद में बैठे हुए उत्तम को गोद से उतार दिया और उठ करके गए और ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। लेकिन ये दृश्य सुरुचि से न देखा गया, उसे तो लगा कि ये तो मेरा अपमान है। तो क्रुद्ध होकर के उसने ध्रुव जी को धक्का दे दिया और ध्रुव जी महाराज की गोद से धरती पर जा गिरे। राजा सुरुचि के भय से कुछ न बोल सके। ध्रुव जी ने पूछा, माँ तुमने ऐसा क्यों किया। कहते सुरुचि ने कहा, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू इस गोद में बैठने का योग्य नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, पिता की गोद में बैठने के लिए अधिकार, पिता की गोद में बैठने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कोई अधिकार चाहिए। अरे पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है पिता की गोद में बैठना। सुरुचि ने कहा, पर तू महाराज का पुत्र नहीं है, तू वनवासी है, चला जाए यहां से। छोटा सा बालक 5 वर्ष का पूछ लिया, माँ यदि इस गोद में बैठना है तो क्या करना होगा। क्रोध में भरी सुरुचि बोली, अगर इस गोद में बैठना है तो जा जंगल जाकर भगवान का भजन कर, भगवान की तपस्या कर, और यदि भगवान तुझे मिल जाए तो भगवान से कहना कि मुझे माँ सुरुचि के गर्भ में भेज दो, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठ सके, जा चला जा। 5 वर्ष का छोटा बालक आज गुरु जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए। विचार कीजिए, बहुत छोटे से है ध्रुव जी, 5 साल का बालक कितना सा होता है, और इतना दुख इतनी ग्लानि मन में माँ के पास पहुंचे, रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा शुभदेव जी कहते राजन, माँ सुनीति बोली, ये पुत्र है ध्रुव, निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्संग उदुहीय बालं निशम्य तत्पौरमुखानिनान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या। दीर्घौ स्वसन्ति वृजिनस्य पारम् पश्यति बालकमाह बाला मा मङ्गलं तात पुरे सुमंस्था। आज इतना रो क्यों रहा है, अरे सदा मुस्कुराने वाला तेरा ये मुखारविंद आज मलिन क्यों है, इतना दुखित क्यों। कहते ध्रुव जी के लड़ने चली जाती राज, ये सब बताती है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना माता, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी ध्रुव जैसा पुत्र हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों में भी ध्रुव जी जैसे संस्कार पड़े, तो पहले क्या करना होगा।
अच्छा यहाँ आप इतनी सारी माताएं, आप चाहते हो कि नहीं कि आपका पुत्र भी ध्रुव जैसा हो? सब चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जैसा पुत्र कब होगा? ध्रुव जी जैसा पुत्र कब? भैया ध्रुव जैसा पुत्र तब होगा जब पहले आप सुनीति बन जाए। पहले खुद सुनीति बनना पड़ेगा कि नहीं? अब अगर हम खुद सुनीति नहीं है तो ध्रुव कैसे हो जाएगा? आप विचार करो, एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का जिसको डांटा सुरुचि ले, कोई आप और हम में से होता क्या करता? अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली होता तो वो तो नड़ने जाता, और कोई थोड़ा शांत होता तो अपने बच्चे को सिखाता कि अरे वो दुष्ट है, तेरी सौतेली माँ है, उसके पास मत जाना, वो बुरा चाहती, उसने हमको जंगल में भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बहुत ध्यान देना, सुनीति मैया ने क्या कहा? सुनीति मैया ने अपने ही बालक को डांटा, ध्रुव को डांटा, पर डांट करके कहा, रे पुत्र ध्रुव, जैसे मैं तेरी माँ हूँ वो भी तेरी माँ है। और बड़े कभी हमारे लिए बुरा नहीं कहते, सदा हमारे भले की बात करते। और पुत्र ठीक ही तो कहा है सुरुचि ने, अरे इस सांसारिक पिता को छोड़, जंगल जाओ, भगवान का भजन कर, और उस परम पिता की गोद को प्राप्त कर। क्या करेगा इस पिता की गोद में बैठ? ये है शिक्षा। और हम लोग क्या करते हैं? आज घरों में होता है, माता पिता भी बच्चों को सिखाते हैं, उनसे हमारा झगड़ा है, उन्होंने हमको ये कहा, उन्होंने हमको वो कहा, बच्चों के हृदय में भी बीज बोते रहते हैं, बच्चों को भी सिखाते रहते हैं कि तुम्हारे ये जो हमारे परिवार के जो ये हैं वो है, ये हमारा कोई भला नहीं चाहते, सब हमारा बुरा चाहते। अच्छा पता नहीं, हमें तो समझ नहीं आता, लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि सब हमारा बुरा चाहते। आप किसी से भी पूछ लो, हर पड़ोसी कहता है कि बगल वाला हमारा बुरा चाहता। अपने बच्चों को संस्कार देने हैं तो कैसे दो? कोई बुरा बोले तो उससे लड़ने मत जाओ, बल्कि अगर वो बुराई आपके बच्चों में है तो उसको मिटाओ। ये माता पिता का कर्तव्य है, दायित्व है। और आज जब हम समय से संस्कार बच्चों को नहीं देते, बच्चों के हृदय में बीज बोते रहते हैं ना, तो उस बीज के कारण क्या होता है? भविष्य में जब वो पेड़ बनता है तो उसका फल हमें लोगों को भोगना पड़ता है। अरे भैया अपने बच्चों को सबसे प्रेम करना सिखा, सबसे आदर करना, चाहे आपका किसी से कितना भी झगड़ा है, पर अपने बच्चों को सिखाओ कि वो कभी मिले तो पैर छू करके प्रणाम करो। उससे क्या होगा? देखो हमारा कर्तव्य है प्रणाम करना, सामने वाला आशीर्वाद दे या ना दे वो उधार उस पर है। लेकिन आजकल तो माता पिता भी सिखा, उनको प्रणाम मत किया करो, उनके पास मत जाया करो, वो मिले तो मुख घुमा लिया करो, वहां से निकल जाओ। अपने बच्चों को सिखाओ कि जो कोई अपने से बड़ा है वो कोई भी हो उसको प्रणाम करो। और दोष दृष्टि सिखाओगे बच्चों को तो कल वो तुम में ही दोष देखना शुरू कर देंगे, आप में ही कमियां देखना शुरू कर देंगे, आप में ही बुराई देखना शुरू करेंगे। तो मां सुनीति ने समझा, क्या सुंदर शिक्षा दी। अरे बोले सांसारिक पिता को छोड़, जा जंगल जाकर भगवान का भजन, तुझे भगवान की गोद मिलेगी। और ध्रुव जी के मन का भी क्या उज्ज्वल संकल्प है, ध्रुव जी ने भी कहा, माँ अब तुझे मुख तब दिखाऊंगा जब भगवान को पालू। और उम्र कितनी है ध्रुव जी की बोलो? 5 साल।
बनाना है अपने बच्चों को ऐसा बना। जननी जनय तो भक्त जन कह दाता माँ वो नहीं है जो बच्चों को जन्म देती है। वास्तविक रूप से माँ माँ तब बनती है जब या तो उसका पुत्र उसके पुत्र में देश के प्रति प्रेम हो, उसकी संतान में भगवान के प्रति प्रेम हो, उसके हृदय में अपनों से बड़ों के प्रति आदर हो। अगर ये भाव है तो तुम माँ हो, नहीं तो नहीं। बच्चे को मात्र जन्म दे देना ही माँ का दायित्व कर्तव्य नहीं है। माँ को केवल इसीलिए जगत में सर्वश्रेष्ठ नहीं कहते कि बच्चे को जन्म देती है, बल्कि श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि माँ बच्चे को वास्तविक रूप से मनुष्य बनाती है। माँ कैसी हो? माँ हो मदालसा जैसे, जो अपने बच्चों को लोरी में ब्रह्म ज्ञान सुनाती है। कभी माँ मदालसा का चरित्र आप पढ़िए। माँ मदालसा अपने छोटे बच्चों को जब लोरी, बल्कि अपने मन में संकल्प कर कि बड़ा होकर के ऐसा भजन करना है कि फिर इस गर्भ में तुझे ना आना पड़े, फिर किसी और माँ के गर्भ से तुझे जन्म न लेना पड़े और फिर इस संसार में न रोना पड़े। माँ मदालसा के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब कभी रोते हैं तो उनसे माँ कहती है, माँ मदालसा अरे रोता क्यों है, संपूर्ण जगत ही ये संसार जो है दुखालय है। भगवान गीता में कह रहे हैं दुखालय शाश्वतम, अरे यदि सुख चाहता है तो सुख किसी के। ऐसी शिक्षा माँ मदालसा देती। अब बताओ, इसलिए बहुत आवश्यक है शिक्षा, बहुत आवश्यक। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी अच्छी सलाह दीजिए। संस्कार देने का समय भी 10 वर्ष से पहले, लालये पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ये, ऐसा करो जितना प्रेम लुटा सकते हो। जो आजकल तो क्या हो गया, 5-10 साल में कहीं नौकरी लग जाए तो और अच्छा। अरे भैया देखो, आप लोग बताओ आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय कौन सा है, बोलो क्या लगता है? सबसे सुनहरा समय है बचपन। न कोई चिंता, न कोई टेंशन, न कोई काम, कुछ नहीं। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाओगे चिंताएं आती जाएंगी, टेंशन बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, परेशानियों में उलझते जाओगे। इसलिए कम से कम अपने बच्चों को अपना उनका बचपन तो बिताने दो। अब तुम्हारे और माता पिता ज्यादातर स्कूल इसलिए भी डालते हैं बच्चों को, वो सोचते हैं घर में रहेंगे हमें परेशान करेंगे, डालो इनको स्कूल। हमारे हमने देखा विद्यालयों में कि अब तो पहले तो LKG होता था, फिर UKG और फिर पहली में जाते थे बच्चे। अब तुम्हारे क्या क्या नहीं कर दिया, KG कर दिया, फिर Senior KG, और न जाने क्या क्या। भैया बच्चों को घर में सिखाओ, घर में रखो, और जब थोड़ा बड़े हो जाए तब उनको विद्यालय भेजो, जो एक सही उम्र है। एक समय तक बच्चों को घर में खूब आनंद से, क्योंकि बचपन से ही आप उनके सिर पर टेंशन रख दोगे, प्रेशर रख दोगे, तो फिर कैसे होगा। तो 5 वर्ष तक बच्चे से जितना प्रेम कर सकते हो, जितना प्रेम कर सकते हो सब प्रेम करो। कितने साल तक? 5 साल तक, और उसके बाद आगे 10 साल तक, यानी 15 वर्ष तक। 10 वर्षाणि ताड़ये, 5 साल तक प्रेम, और 5 साल के आगे 10 वर्ष तक, यानी 5 और 10 15, तो 15 वर्ष तक खूब ताड़न करो। ताड़न यानी कस करके बच्चों को रखो, खूब संस्कारवान बनाओ, डांटो। और यहाँ ताड़ये लिखा है महाराज, लालये पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ये, और 15 वर्ष तक खूब कस करके रखो, खूब समझा करके वो घर में संस्कारित करके। और यही उम्र है जब आप कोई संस्कार का बीज बच्चों के, तब सलाह नहीं समझ आएगी उनको। आप सोचोगे अब
कई माता पिता हमारे पास आके हमारे बच्चे समझते नहीं, इनको जरा कुछ समझाओ। हमने कहा जब तुम्हारी नहीं सुनते जो माता पिता है ना, हमारी क्या सुनेंगे। समस्या क्या है कि 15 वर्ष तक ही समझाने का नियम है, उससे पहले जो समझा दिया, जो सिखा दिया, जो संस्कार डाल दिया वो जीवन पर्यंत रहेगा, और उसके बाद तो बच्चों को अपना मित्र बना लो। 15 वर्ष के बाद उनसे मित्रता कर लो, ये शास्त्र का नियम है। तो माँ सुनीति ने कितने सुंदर संस्कार ध्रुव जी के अंतःकरण में डाले हैं। आज ध्रुव जी ने कहा कि मैं तपस्या करने जाऊंगा, और 5 वर्ष का छोटा सा बालक घर से निकल चला तपस्या के। और ध्रुव जी जब चले तपस्या करने के लिए, तो चलते 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 वन में पहुंचे, और वन में आज ध्रुव जी को मिल गए। कौन? मैं महाराज उत्तानबाद, माँ सुनीति का प्रथम पुत्र, मेरा नाम ध्रुव। अच्छा, तो जंगल में क्या कर रहे हो? भटक गए हो? ध्रुव जी ने कहा हाँ महाराज, भटक गया हूँ भगवान की माया। नारद जी बोले बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, क्यों आए हो जंगल में? ध्रुव जी बोले जंगल में उस परम तत्व को पाने के लिए आया हूँ, भगवान को पाने के लिए आया हूँ। नारद जी ने कहा पर क्यों, क्या क्या बात है, कैसे तुम्हारे मन में वैराग्य हुआ? तो ध्रुव जी बताया राजमहल में जो जो हुआ था, और माँ ने जो जो बताया वो सब। अरे धन्य है ये क्षत्रियो का बालक, क्या दृढ़ संकल्प है इसके मन का कि माँ ने डांटा और भगवान को पाने के लिए निकल चला। अच्छा देखो एक बात और सुनो, वैराग्य ज्ञान जन्य होना चाहिए, क्रोध जन्य नहीं होना चाहिए। क्रोध जन्य वैराग्य व्यक्ति को डुबो देता है, पतन करवाता है, और ज्ञान जन्य वैराग्य भगवान व्यक्ति का। तो वैराग्य दो प्रकार का है, एक है ज्ञान जन्य, एक है क्रोध जन्य। और हम लोगों में कौन सा होता है? क्रोध जन्य। कैसे? कई बार घर में माता पिता ने डांट दिया, बच्चों ने कहा छोड़ो घर, हम भगवान का भजन करें। माता पिता नाराज हो गए, बच्चों ने हमको ऐसा कर दिया, हम चले घर को छोड़ कर। ये है एक दिन हम सब मर जाएंगे। तीसरा बोला तो भैया बेकार है घर परिवार, भगवान का भजन करना चाहिए, कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कल्याण हो। चौथे ने कहा हमारे मन में तो ऐसा आ रहा है कि बस सब छोड़ दें, और सब छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करें, सब छूट जाना है, भगवान का भजन ही साथ जाना है, ऐसी सब बातें वो कर रहे हैं। और पहुंच गए शमशान में, शमशान में सब को चिता पर रखा। तब तक पांचवा बोले देखो जिस शरीर को बनाने के लिए उसने कितनी क्या क्या नहीं किया, आज वो शरीर जल रहा है। जैसा करते करते शव को जलने में समय लगता है, तो शव को जलते जलते आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में सबका वैराग्य होता है। एक बोला अरे भैया और तो सब ठीक है, लेकिन इसे आज ही मरना था। क्यों? अरे एक ने कहा आज हमें बिजली का बिल जमा करने जाना था, वो आज अंतिम तारीख थी, अब कल जाएंगे तो एक दिन की पेनल्टी बढ़ेगी और ज्यादा, आज ही मरना था इसको। दूसरे ने कहा भैया तुम्हारा तो कुछ नहीं, हमारी तो छुट्टी खराब हो गई, आज हमारी छुट्टी थी, आराम से घर में रहते, इसे आज ही मरना था, कल नहीं मर सकता था। सब बात करना, सबका वैराग्य उतर गया, ऐसे ही उतरता। तो तीसरा बोला रे भैया हमें तो दुकान खोलनी थी, इसे सुबह सुबह ही मरना था, शाम को नहीं मर सकता था। शाम को मरता कम से कम हम दिन भर दुकान चला लेते, शाम को आराम से आ जाते, लेकिन सुबह सुबह ये मर गया। आप दुकान देरी से खोलेंगे, ग्राहक सोचेंगे लगता है बंद है, लगता है आज हमारा व्यापार नहीं चलेगा। सब बात कर, ये है हम लोगों का वैराग्य, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। तो नारद जी देखना चाहते हैं कि ध्रुव जी में ज्ञानजन्य वैराग्य है या क्रोधजन्य वैराग्य है या मरकट वैराग्य है, कैसा वैराग्य। कहते हैं यहां नारद जी ने ध्रुव जी से कहा भगवान को पाओगे? ध्रुव जी ने कहा बिल्कुल महाराज अवश्य पाएंगे। नारद जी ने कहा पर हे ध्रुव, भगवान को पाना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। क्यों? तो नारद जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि
जतन कराही अंतराम कह आवत नाही जन्म जन्म मुनि जतन करा अंत राम के आवत ना। अरे जन्मों जन्मों से ऋषि मुनि बैठे हैं जंगल में, उनको सपने में भी नहीं मिले तो तुम्हें कैसे मिलेंगे? उन्हें आप भी तो नहीं मिले, पर मुझे आप मिल गए हैं तो भगवान भी मिल जाएंगे। अच्छा एक बात आप लोगों को बताता हूँ, नारद जी जो है ना, नारद जी जिसको मिल गए उसकी कंफर्म टिकट हो गई भगवान। आप शास्त्र खंगोल करके देख लो, जिस भगवान अवश्य मिले। नारद जी प्रहलाद जी को मिले तो प्रहलाद जी को भगवान मिले, नारद जी रावण को मिले, नारद जी कंस को मिले, अरे महाराज राक्षसों को भी मिले तो राक्षसों को भी भगवान मिले। जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं। इसलिए ध्रुव जी ने कहा आप मिल गए हैं तो भगवान भी मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा इतना कठिन नहीं है, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुमको तो वो ब्रेकफास्ट समझ के खा जाएंगे सुबह सुबह, इतने छोटे से तुम तपस्या करने के लिए गए हो। ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, कार्यम साधयामि अथवा देहं पातयामि। शिवराज जी में महाराज शिवाजी कहते हैं ना अपने सैनिकों से, कार्यम साधयामि अथवा देहं पातयामि, या तो कार्य को पूर्ण करना या देह त्याग देना। ध्रुव जी बोले या तो भगवान को पाऊंगा और या शरीर त्याग दूंगा, पर बिना भगवान को पाए वापस नहीं लौटूंगा। ध्रुव जी के प्रबल निश्चय को जब नारद जी ने देखा, पुनः पूछा लेकिन तुम्हें कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी ने कहा एक बात बताइए आप कौन है? नारद जी ने कहा मैं नारद। ध्रुव जी ने कहा असली वाले हैं कि नकली वाले हैं? नारद जी ने कहा असली नकली मतलब क्या, तुम्हें कोई पहले भी मिला हम जैसा? ध्रुव जी ने कहा मुझे तो आप ही नकली मानो। बोले मेरी माँ मुझे कथाएं सुना करती थी, सुनाती थी कि नारद जी भक्तों को भगवान से मिलाते हैं, और आप कैसे नारद जी हैं जो भगवान से मुझे दूर कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं घर जाओ। नारद जी कहते हैं भैया हम तो ये कह रहे हैं तुम घर को लौट जाओ, अभी छोटी सी उम्र है, खेलने की उम्र है, आराम करने की उम्र है और मनोरंजन की उम्र है, अभी कहाँ चले भगवान को पाने, अभी घर लौट। और भगवान शंकराचार्य एक वाक्य में कहते हैं बालस्तावत् क्रीडा रक्तः तरुणस्तावत् तरुणः रक्तः वृद्धो यातश्चिन्ता मग्नः। ये तीन स्थितियां हैं और तीन ही गतियां हैं, बाल अवस्था, युवा और वृद्ध। हम लोगों की अवस्था कैसे बीतती है? बोले बचपन बीता खेल कूद में, बालस्तावत् क्रीडा रक्तः, युवा अवस्था बीती तरुणस्तावत् तरुणः रक्तः घर परिवार में, और वृद्धो यातः चिंता मग्न, बुढ़ापा किसमें बीत रहा है? बोले चिंता में। तो ना तो बचपन में भजन किया, ना जवानी में भजन किया, ना बुढ़ापे में भगवान का भजन किया। ध्रुव जी ने कहा नहीं हम तो भगवान को ही पाएंगे। नारद जी ने कहा भी तो तुम छोटे हो, खेलने की उम्र है, घर जाओ, भगवान के पास तो लोग तब आते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल। तो नारद जी कह रहे लौट जाओ और ध्रुव जी कह रहे कि हम बिना भगवान को पाए नहीं जाएंगे। अब जब नारद जी ने देख लिया ध्रुव जी का प्रबल संकल्प, भैया ये अपने संकल्प से पीछे हटने वाला नहीं है, मंत्र दिया है
ध्रुव जी को कौन सा तो बोले द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया का जंगल जाओ और जंगल जाकर भगवान का भजन करो। अच्छा ध्रुव एक बार बताओ, भगवान मिलेंगे तो पहचानोगे कैसे? भृगुलता का चिन्ह होगा, जिनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा, जिनके हृदय में जिनके गले में कौस्तुभ मणि होगी, जिनकी चार भुजाएं होंगी, जिनके सुंदर पीतांबर होगा, ऐसे भगवान की सुंदरता का वर्णन नारद जी ने किया। और अब ध्रुव जी ने कहा मैं कहां जाऊं? नारद जी ने कहा तत्ता छगच्छ भद्रम यमुनायास्तटम सुचि, बोले जाओ पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि, मधुवन में भेजा। तो ध्रुव जी आए मधुवन में तपस्या करने लगे यमुना के किनारे। तपस्या करते 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 बहुत समय व्यतीत हुआ। आज भगवान ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हो गए, बोले हरि भगवान की जय। हरि रूप लेकर भगवान प्रकट हुए। हरि अवतार लेकर क्यों आए? तो जीवानाम पापम तापम क्लेशम हर इति हरि, जो जीवों के पाप ताप संताप को हरे हुआ हरि। अच्छा हरि अवतार भगवान ने दो बार लिया, एक बार तो ध्रुव जी के सन्मुख और एक बार गजेंद्र के सन्मुख। गजेंद्र के पास भी भगवान हरि अवतार लेकर गए। तो ध्रुव जी से कहा मांगो क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा पहले तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। भगवान बोले करो। ध्रुव जी बोले पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कैसे करूँ, मुझे नहीं आती। भगवान ने कहा ये बड़ी समस्या है। तो भगवान ने पस्पर्श बालम कृपया कपोले अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर लगाया, और गाल पर लगाया तो महाराज ध्रुव जी वेद वेदांग के विद्वान हो गए। संपूर्ण वेद वेदांग ध्रुव जी के हृदय में समा गए और अब ध्रुव जी स्तुति करने लगे। योन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणमगादिं तुभ्यम्। भगवान को प्रणाम किया है ध्रुव जी ने, चके इसलिए जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, 36,000 वर्ष तक धरती पर राज्य करो और राज्य करने के उपरांत मेरे ध्रुवलोक को प्राप्त हो जाओ, ऐसा ध्रुव जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया। यहाँ ध्रुव जी बाद में वापस लौटे, 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और अंत में ध्रुवलोक को प्राप्त किया। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। तो ध्रुव जी की कथा यहाँ है। इसके उपरांत इनके ही वंश में आगे चल करके महाराज अंग अंग कवि और यहाँ महाराज प्राचीन बरही का चरित्र है भागवत के चतुर्थ स्कंध में। इन्होंने संपूर्ण धरती पर यज्ञ किया और इतना यज्ञ किया कि महाराज पूरी धरती को कुशा से ढक दिया। कुशा का आसन बनाते हैं ना, तो कहते हैं पूरी धरती को कुशा के आसनों से ढक दिया, इतने यज्ञ किए। लेकिन एक दिन नारद जी उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा महाराज प्राचीन वरही आप तो बड़े बड़े यज्ञ अग्निहोत्री हैं, आप तो बड़े यज्ञनिष्ठ हैं, यज्ञ में निष्ठा रखने वाले हैं, लेकिन आपने जो यज्ञ किए क्या वह कल्याण का मार्ग है? प्राचीन वरही जी ने कहा महाराज यज्ञ तो भगवान का मुख है, यज्ञ वही विष्णु हो, और यज्ञ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। विष्णु पुराण कहता है वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेणः परः पुमान विष्णुर आराध्यते। यज्ञ का उद्देश्य ही है भगवान की, व्यक्ति का धर्म है वह यज्ञ करे, यज्ञ करा। नारद जी ने कहा राजन वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्राचीन वरही जी ने कहा दिखा। तो नारद जी खिड़की के पास ले गए, अपने तपोबल से आकाश पर दृष्टि डाली नारद जी ने, और महाराज प्राचीन वरही से कहा देखो आकाश,
के दिन जैसे ही महाराज प्राचीन वरही ने आकाश में देखा तो प्राचीन वरही जी को क्या देखा, बोले बड़े बड़े जीव जंतु सब आकाश, घबरा गए प्राचीन वरही जी। नारद जी से कहा, बोले महाराज ये कौन है? नारद जी ने कहा, इतनी जल्दी भूल गए? ये वही पशु है, यज्ञ का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, यज्ञो वही विष्णु हो, यज्ञ का अर्थ है विष्णु, विष्णु यानी व्यापक, यज्ञ वह श्रेष्ठ है जिससे समाज का कल्याण हो, न कि केवल अपने लिए, अपने कल्याण के लिए किया गया यज्ञ तमोगुणी कहलाता है, इसलिए हे राजन तुम यज्ञ करो, लेकिन किस लिए? भगवान की प्रसन्नता। एक भरत है राजर्षि भरत, जिनकी आप और हम कथा सुन रहे हैं, ऋषभदेव जी के पुत्र, ये है राजर्षि भरत। दूसरे हैं राम जी के भाई भरत, और तीसरे हैं शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत। अच्छा, तीनों ही भरत तीन योगों के आचार्य हैं। ये राजर्षि भरत ज्ञान योग के आचार्य, राम जी के भाई भरत भक्ति योग के आचार्य हैं, और शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत कर्म योग के आचार्य। राजर्षि भरत ने जीवन में बताया कि ज्ञान को कैसे जीवन में धारण करना है, राम जी के जो भाई भरत है उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान से प्रेम कैसा करना है, और जो शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत हुए उन्होंने समाज को बताया कि कर्म कैसे करना है। हाँ, जिन्होंने बाल्यकाल में ही महाराज जो सिंह के बच्चों के साथ खेला करते थे, सिंह के दांत गिन लिया करते थे, ऐसे भरत जी। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ी प्रसन्नता भी होगी कि आप जानते हैं कहां लालन पालन हुआ इनका, शकुंतला पुत्र भरत का? महर्षि कण्व के आश्रम में। और आप जानते हैं वो कहां है? हमारे उत्तराखंड में है, कोटद्वार के पास में कण्वाश्रम करके एक स्थान है। अभी कुछ समय पहले वहां से हम कोटद्वार में कथा थी और वहां से कण्वाश्रम में एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम था, उसके लिए भी वहां से हमारे लिए निमंत्रण आए थे, और फिर हम गए भी थे वहां। और इतना सुंदर गुरुकुल है वहां पर, कई सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं और बहुत अच्छा आश्रम। तो कथा के उपरांत एक दिन हम वहां भी दर्शन करने गए तो महर्षि कण्व की तपस्थली। तो तीन भरत हुए, तो ये पहले भरत है, इनका नाम है राजर्षि भरत। कहते बहुत समय तक न्याय पूर्वक धरती पर राज्य किया, बाद में वैराग्य हो गए, और जब वैराग्य हुआ तो श्री भरत जी महाराज ने राज्य सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी पुत्र सब, राज्य प्रजा सब का परित्याग करके गंडकी के किनारे पहुंच करके श्री भरत जी महाराज ने बहुत काल तक तपस्या की। लेकिन देखो, माया इतनी जल्दी नहीं छोड़ती। कोई सोचे कि माया से बचे, जो छिप गए उनको भी पकड़ती। श्री भरत जी ने राजपाट छोड़ दिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कल हम एक प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे कि संत कौन है, और इसी प्रसंग में हमने कहा था कि यदि किसी को किसी छोटी सी वस्तु में भी आ सकती है तो वह बद्ध ही है, बंधा ही है। इसीलिए एक बड़े धनवान का अपने महल पर लोभ और एक संत का अपने कुटिया के प्रति आ सकती, दोनों ही बंधन का कारण है, अंतर महल और कुटिया में नहीं है। क्योंकि हो सकता है जितना आसक्त कोई धनवान अपने महल में हो, उतना ही आसक्त कोई संत अपनी कुटिया में हो जाए। इसलिए संतों के लिए एक नियम और बनाया है शास्त्रों ने, संतों के अवधूत संत कहे जाते हैं, उनके लिए नियम है। कई संतों का नियम भी रहता है कि वो एक रात्रि से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहरते, तीन रात्रि से अधिक किसी वृक्ष, एक रात्रि से अधिक किसी वृक्ष के नीचे भी नहीं रुकते, और अति हो जाए तो तीन रात्रि से अधिक किसी एक स्थान पर नहीं रहते। मान लीजिए वो यहाँ आए, कोई संत, कई संतों के नियम होते हैं।
श्री जगन्नाथपुरी में बड़े अच्छे संत हुए श्री जयदेव जी, परम विद्वान। कहते एक समय तक उनका भी नियम था कि वो 3 दिन से अधिक एक स्थान पे नहीं रहते थे और 1 दिन से अधिक किसी एक वृक्ष के नीचे नहीं रहते थे। एक रात से अधिक, मान लीजिए आज रात्रि इस पेड़ के नीचे आराम किया तो अगले दिन यहाँ नहीं करते थे, कहीं और आराम करते थे, क्योंकि भैया क्या पता माया कब पकड़, क्या पता पेड़ में प्रेम हो जाए, कितना अच्छा पेड़ है, यही रह जाते। अच्छा होता भी है ये जो घटना भरत जी के साथ घटने वाली है। अच्छा आप बताओ, भरत जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, सब छोड़ा के लिए। लेकिन आप जानते हो भरत जी को आसक्ति किस में हो गई? हिरण के बच्चे में। एक दिन जंगल में भरत जी गंडकी नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे कि तभी जंगल में एक हिरणी जो सगर्भा थी वो जल पी रही थी तटीय क्षेत्र पर, और जैसे ही जल पी रही थी तो इतने में एक सिंह ने गर्जना की और जैसे ही दहाड़ लगाई तो हिरणी बड़ी भयाकुला होती है तो भयाकुल हो गई और भय के कारण उसने छलांग लगाई और जो छलांग लगाई तो हिरणी तो उस ओर जाकर के गिरकर मर गई, उसका गर्भपात हो गया और गर्भ नदी में बहने लगा। अब जब उसका बच्चा नदी में बहने लगा और ये दृश्य भरत जी ने देख लिया तो भरत जी को बड़ी दया, भरत जी ने सोचा कि इसकी माँ की तो मृत्यु हो गई, छोटा सा बालक अभी जन्म हुआ ये कैसे रहेगा, तो उस बालक को उठाया, स्नान करवाया, स्नान करवा के कुटिया में ले आए। अब उस बालक की देखरेख करने लगे हिरण के बच्चे की। अच्छा देखो दया करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात क्या है? आसक्ति। अच्छी बात है कि उस बच्चे पर दया आ गई और उसको घर ले आए, यहाँ तक तो ठीक था, आश्रम में ले आए। लेकिन धीरे 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 भरत जी को उस हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई कि अब तो भरत जी जब माला जपने बैठे वो हिरण का बच्चा कभी आए भरत जी के कंधे पर चढ़ जाए, कभी गोद में बैठ जाए, कभी हवन सामग्री को दूषित कर दे, जूठा कर दे। तो भरत जी 1000 माला नित्य करते थे और धीरे धीरे 500 पे आ गए और 500 से फिर 100 पर आ गए और 100 से 50 पर आ गए, 50 से 10 पर आ गए। और महाराज एक दिन तो ऐसा हुआ कि जिस दिन भरत जी ने भगवान का भजन ही नहीं किया, दिन भर उस मृग में आसक्त हो गए, कभी उसको घास खिलाए, कभी उसको सुलाए, कभी उसको बिठाए, कभी घुमाए, और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि भरत जी ने भजन करना छोड़ दिया, भगवान को भूल गए उस मृग के प्रेम में। ऐसा होता है और ये घटना एक इसी के प्रति कथा आपको बताऊं। आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराज भर्तृहरि का, गोपीचंद और भर्तृहरि, सुना है आपने? बोलते क्यों नहीं, सुना है? हमारे पहाड़ों में तो खूब अच्छे उनके भजन भी गाते हैं लोग, भर्तृहरि गोपीचंद, उनका नाम था भर्तृहरि, राजा थे और कहते उनके भांजे थे, उनका नाम था गोपीचंद। दोनों ही राजा थे, दोनों ने अपना राज काज सब छोड़ा और भगवान के भजन के लिए जंगल में आए। अच्छा उनकी एक दिन की घटना आपको बताता हूँ। कहते एक दिन भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों अपना अपना झोला लेकर चल रहे और चलते 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 दोनों की नजर पड़ी एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर, और पेड़ की एक सुंदर सी टहनी पर। भर्तृहरि ने सोचा कि इस टहनी पर तो मैं अपना झोला डालूंगा। गोपीचंद के मन में आया कि नहीं इस टहनी पर तो मैं अपना झोला डालूंगा, कहीं ये पहले ना पहुंचा, इसलिए दोनों दौड़े और दोनों दौड़े और अब तो झगड़ा शुरू हो गया। एक कहे हम यहाँ पहले हमने देखा, एक ने कहा हमने पहले अपना झोला डाला, बड़ा कलह हो गया दोनों। एक कहे ये जगह हमारी, दूसरा कहे हमारी। कहते तभी वहां से गांव की एक सरल सीधी स्त्री निकली, गांव की महिला थी, माता जी थी। उसने पूछा महाराज आप लोग महात्मा है, महात्मा होके लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या हो गया? तो भर्तृहरि ने कहा बोले इस वृक्ष को पहले हमने देखा इसलिए यहाँ झोला हम डालेंगे। गोपीचंद ने कहा पर इस पर झोला पहले हमने रखा इसलिए इस वृक्ष पर झोला हमारा रहेगा।
इसलिए हम लड़ रहे हैं। उस स्त्री ने कहा आप लोग कुछ लगते हैं एक दूसरे के। भर्तरी हरि ने कहा हाँ हाँ ये हमारा भांजा है और हम इसके मामा हैं। अच्छा तो कहते वो स्त्री हंसने लगी और हंस करके सिर पर हाथ रख कर कहा बोले बताओ एक तो गोपीचंद और भर्तरी हरि वो भी मामा भांजे जिन्होंने राज महल छोड़ दिया घर परिवार छोड़ दिया और एक ही तुम दोनों हो कि जो पेड़ की एक टहनी के लिए लड़ रहे हो कि हम इस पर झोला रखेंगे। अच्छा उस स्त्री को नहीं पता था कि ये दोनों ही हैं गोपीचंद और भर्तृहरि। कहते हैं ये सुनकर भर्तृहरि को और गोपीचंद को बड़ा दुख हुआ। बताओ हमने राजकाज तो छोड़ दिया पर ममता मोह आसक्ति नहीं छूटी, पेड़ में आसक्ति हो गई। इसलिए उनका एक भजन है ना वो कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा। तो भरत जी के जीवन में भी यही हो गया। भरत जी भगवान को भूल गए मृग में आसक्त हो गए। कहते मृत्यु का समय भी आ गया और एक दिन वह हिरण का बच्चा खेलते 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 जंगल में चला गया। भरत जी रुकते रहे कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा लेकिन आज वो नहीं लौटा। भरत जी बड़े दुखित हो गए। कहते इतना दुख हुआ भरत जी को कि अब भरत जी के प्राण जाने का समय आ गया और मरते समय भरत जी को भगवान की याद नहीं आई। किसकी याद आई? उस हिरण की याद आई। अरे न जाने कहाँ होगा किस स्थिति में होगा, हम तो कंबल उड़ा देते थे घास खिला देते थे, अब जंगल में कैसे रहेगा क्या करेगा भरत जी सोच रहे। और कहते हैं भरत जी के प्राण निकल गए और शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति, अंत में जहाँ मति होती है व्यक्ति की वैसी गति होती है। इसलिए भरत जी अगले जन्म में क्या हो गए, क्या बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा, मृग बन बोलो इतना बड़ा तपस्वी और अगले जन्म में हिरण की योनि में प्राप्त हो हिरण बनना। एक बात समझिएगा अंतकाल में व्यक्ति की मति जहां होती है ना वो गति होती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को लेके घटना और है। कहते एक बार दो गुरु और शिष्य चल रहे, शिष्य ने गुरु जी से कहा बोले आपको ये संसार कैसा दिखता है। गुरु जी ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हें कैसा दिखता है। शिष्य ने कहा हमें तो समी जैसा सबको दिखता है वैसा ही दिखता है। गुरु जी बोले पर संसार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कैसे? तो दोनों चल रहे थे तभी गुरु जी ने कहा बोले वहां देखो वो क्या हो रहा है। शिष्य ने देखा वो क्या हो रहा था, बोले माता जी रोटी बना रही है और रोटी बनाने के बाद उन्होंने रोटी बनाकर अंदर रख दी और खुद बाहर वस्त्र धोने लगी कपड़े धोने लगी। तो इतने में कुत्ता आया और घर में अंदर गया, जैसे रोटी उठाने लगा उस स्त्री ने देखा तुरंत डंडा उठाया पीटा बाहर से निकल। अब वो स्त्री बार बार कहे कि पता नहीं इसको क्या हो गया हर बार हमारे घर में घुसाता है, कितना भी निकालो कितना भी मारो लेकिन आएगा हमारे घर में। अरे हम हमारा नहीं है किसका है जिसका है ले जाओ। बड़ी नाराज हो स्त्री। तो गुरु जी ने कहा तुम्हें कुछ देख करके कुछ अलग लगा? शिष्य ने कहा नहीं मारे वो स्त्री तो उस कुत्ते को निकाल रही और वो कुत्ता शायद बार बार वहां जा रहा है। कहते इतना सुनते ही गुरु जी ने कहा पर बेटा इतना सरल नहीं है ये। क्यों? तो हंस करके गुरु जी बोले बोले जानता है जानते हो ये कुत्ता कौन है, कौन है महाराज? तो गुरु जी बोले बोले इसी के घर का है, पूर्व जन्म में उस स्त्री का ससुर है, पहले ससुर था उस स्त्री का, ये उसकी बहू है। लेकिन जब मौत आई जब मरने लगा
तो मरते समय घर की याद है, अरे हमारे बच्चे, अरे हमारा घर, हमारा परिवार। तो मरने के बाद अगले जन्म में कुत्ते का शरीर तो मिला, लेकिन घर की आसक्ति उसे नहीं छोड़ रही, इसलिए बार बार उस घर में जाता है। इसलिए अंतकाल में मति कहाँ हो, बुद्धि कहाँ हो? अंतकाल में जिसने भगवान का चिंतन कर लिया उसका कल्याण होता है। लेकिन हम लोग अंतकाल में चिंतन किसका करते हैं? संसार का, घर का, परिवार का। भरत जी को अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, और जब भरत जी मृग बने तो क्या करें? तो लेकिन देखो, भगवान का भजन यदि जीवन में किया है तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कहते हैं योग क्षेमं वहाम्यहम्। और भगवान ने गीता में एक वाक्य और कहा, बोले सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। मेरा भक्त यदि योग भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका पतन मैं नहीं होने देता। भरत जी ने भले ही अंतकाल में मृग का चिंतन किया और अगले जन्म में हिरण बनना, के कारण, उनके प्रेम के कारण उनको अपने पूर्व जन्म की विस्मृति नहीं हुई, पूर्व जन्म को नहीं भूले, उन्हें सब याद है। कहते मृग शरीर में भी भरत जी एकादशी का व्रत करते हैं, और कई बार तो शेर के सामने खड़े हो जाते हैं और सिंह से कहते हैं भैया मुझे खा ले, क्योंकि मैं अभी जब मरूंगा तब अगला मनुष्य शरीर मिलेगा। सिंह से कहते हैं मुझे भैया खा जा, लेकिन सिंह कहता है भैया महाराज अभी आपका समय नहीं हुआ है, अभी आपको नहीं मार सकता। यहाँ भरत जी ने अपने कर्म को भोगा और फिर अगला जन्म भगवान की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में भरत जी का पुनः जन्म। और एक सुंदर बात यह है, भगवान की कृपा यह है कि इस जन्म में भी पूर्व जन्मों की भरत जी को सारी याद है। पहले मैं राजा था, उसके बाद मृग बना, और अब फिर मनुष्य बना हूं। भरत जी कहते इस मौके को नहीं जाने दूंगा, फिर संसार में नहीं आऊंगा, फिर गलती नहीं करूंगा। इसलिए भरत जी क्या करते, कुछ बोलते ही नहीं, बिल्कुल मौन, चुप रहते। पिताजी ने एक दिन कहा कि बोले बेटा तुम बड़े हो गए हो तो ये मंत्र याद कर लो। तो गायत्री मंत्र सिखाए मारे। भरत जी से कहा कि शाम को मुझे सुना देना। भरत जी ने सिर हिलाया कि ठीक। दिन भर भरत जी ने सोचा। अच्छा, भरत जी को याद सब कुछ है, क्योंकि पूर्व जन्म का सब याद है, वेद वेदांत का सब याद है। पर जब पिताजी ने पूछा कि सुनाओ तो भरत जी ने नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? भरत जी ने सोचा, बोले आज एक मंत्र, कल दूसरा, परसों तीसरा, ये तो ऐसे ही उलझा देंगे हम फिर संसार में फंस जाएंगे। नहीं नहीं, अब हम संसार में नहीं पड़ेंगे, एक बार मृग बन चुके, एक बार दंड भोग चुके, अब संसार में फिर नहीं आएंगे। महाराज पिताजी ही मर गए, लेकिन भरत जी ने कभी कुछ नहीं सुनाया। मरते समय माता पिता ने और बच्चों से कहा, बोलिए जड़ है, मूर्ख है, इसका ध्यान रखना। इसलिए उनका इस जन्म में भी नाम भरत ही पड़ा। और माता पिता ने कहा कि मूर्ख है, जड़ है, इसीलिए नाम हो गया जड़ भरत। तो अब सब कहने लगे जड़ भरत। अच्छा, भरत जी कैसे घर में पड़े रहते, खूब सोए, खूब भगवान का भजन करें, बस और कोई दूसरा काम नहीं। भाइयों का विवाह हो गया, उनकी पत्नियां आ गई। अब पत्नियों को बड़ा बुरा लगे कि हमारे पति तो खूब काम करे, ये खाए और सोए। तो पत्नियों ने अपने पतियों से कहा, बोले इसको भी ले जाओ, कुछ काम करवाओ। तो उनके भाइयों ने भरत को ले गए और खेत में ले जाकर कहा, बोले यहाँ थोड़ा खेत ऊंचा है और यहाँ नीचा है, तो ऐसा करो इसको बराबर कर दो, यहाँ से मिट्टी निकालना और इसमें भर देना, बराबर कर देना। भरत जी ने कहा ठीक है। भाई चल पड़े, भरत जी करने लगे। करते करते भरत जी को याद आई, आज एक काम, कल दूसरा, परसों तीसरा, ये तो फिर काम में उलझा देंगे, हम भजन कब करेंगे? नहीं नहीं, तो क्या किया महाराज? बोले जहाँ गड्ढा करना था वहां कुआं खोद दिया, जहाँ मिट्टी थोड़ा भरनी थी वहां पहाड़ खड़ा कर दिया। शाम को भाई आए, अब तो भाइयों ने हाथ जोड़ के कहा कि बस इतना एहसान करना कि कोई काम मत करना बस। अब तो भरत जी खूब आनंद से घर में रहे, खूब भजन करें, खूब भगवान का नाम ले, कुछ ना करें। एक दिन एक भाई की पत्नी और नाराज हो गई कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, महाराज कुछ तो करवाओ। पतियों ने कहा पिछली बार करवा के देख लिया, ये काम करने लायक नहीं है, इससे काम नहीं करवाना।
कहते इतना सुनते ही पत्नियों ने कहा कि कोई तो काम होगा जो ये कर सकेगा। तो भाई लोग लेके कि चलो कुछ करवाते हैं। तो क्या करें, तो गेहूं होते हैं ना, गेहूं का खेत धान लगी थी, और भरत जी से कहा बोले कुछ नहीं करना, चिड़िया गेहूं खाने को आती है तो चिड़िया को भगा। भरत जी ने कहा ठीक, भाई चले गए। भरत जी ने कहा ये काम तो बहुत अच्छा है, चिड़िया भगाऊंगा, भगवान के भजन गाऊंगा, भगवान का भजन भी होगा, ये काम भी होता रहे। अब भरत जी भगवान का भजन करें और चिड़िया भगाएं। लेकिन अचानक भरत जी को याद आई, क्या याद आई, बोले राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। जब ये चिड़िया भी राम जी की है और ये खेत भी राम जी का है, जब सब राम जी का है तो हम कौन होते इनको भगाने वाले। तो चिड़ियों से क्या बोले, बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। तब तो जो दूसरे खेत में भी थी वो इनके यहाँ आ गई। शाम को भाई आए, देखा इतना क्रोध आया, बोले बस 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 बहुत हो गया, निकाल दो इसको घर से। सबने मिलकर भरत जी को घर से निकाल दिया। वो घर में होता ही ऐसा है, जो किसी काम का नहीं होता लोग उसे निकाल ही देते। घर का नियम तो यही है या नहीं, तो संसार का नियम है, जो किसी के काम का नहीं वो घर से बाहर, जो काम का है वो घर के अंदर। तो विश्वास ना हो तो करके देख ले, दो चार दिन तुम भी काम नहीं करोगे तुम्हें भी निकाल देंगे, संसार का नियम है। तो भरत जी को घर से निकाल दिया, लेकिन भरत जी तो भी प्रसन्न, कोई बात नहीं जंगल में भजन करेंगे। तो अब तो भरत जी जंगल में चल रहे हैं, जंगल में कुछ चोरों ने भरत जी को पकड़ लिया, डाकू थे चोर थे। भरत जी को चलो हमारे साथ, भरत जी ने कहा चलो उनके साथ चलो। उन्होंने भरत जी को स्नान कराया, वो कई दिन से नहाए भी नहीं थे तो सिर्फ स्नान कर लिए, नए वस्त्र पहनाए तो पहन लिए, भोजन कराया तो खूब भोजन भी कर लिया। अब भरत जी को लेकर भगवती के मंदिर में आए, तो भरत जी से कहा बोले सिर झुकाओ। भरत जी ने कहा क्यों, तो जो उन डाकुओं का राजा था उसने कहा बोले हमने मन्नत मांगी थी, यदि हमारा पुत्र होगा तो नर बलि देंगे, और बलि के लिए तुम बिल्कुल उचित हो, दिखने में भी ठीक हो, चलो सिर झुकाओ तुम्हारी बलि देंगे। भरत जी ने समझाया कि बलि नहीं दो, वो तो माँ है जगदम्बा है, लेकिन कहाँ मानने वाले। तो भरत जी ने कहा यदि बलि ही देनी है तो ठीक है, वो तो ज्ञान योगी है, वो तो कहते हैं न जायते मृयते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूयो अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमानो शरीर। भरत जी कहते हैं शरीर मरेगा आत्मा तो अमर है, तुम लोग सिर झुका दिया। कहते हैं चोर जैसे ही तलवार का प्रहार भरत जी पर करने वाले थे कि इतने में साक्षात भद्रकाली माँ प्रकट हो गई, सब डाकुओं का अंत कर दिया। भरत जी की माँ ने गोद में बैठी, माँ भरत जी के सिर पर हाथ फेरती और कहती है बेटा तुझे अपनी चिंता नहीं है। भरत जी बोले हमें किसकी चिंता हो, जब आप हो हमारी चिंता करने वाली हम क्यों चिंता करें। और जिसकी चिंता करने के लिए भगवान हो वो जगत की चिंता क्यों करे। तो भरत जी ने प्रणाम किया, माँ को आगे बढ़े और चलते 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 भरत जी महाराज एक जगह पहुंचे, तभी सिंधु सौवीर देश का राजा रघुवन मिल गया। और यहाँ भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि किस प्रकार रघुवन जी से भेंट हुई भरत जी की, और फिर बाद में तो भरत जी ने बहुत उपदेश दिया है रघुवन को, रघुवन ने भी क्षमा मांगी क्योंकि भरत जी को पालकी पर लगा दिया उसने। कहते रघुवन के कहार कहार जानते हैं पालकी उठाने वाले, उनमें से एक की तबीयत बिगड़ गई और रघुगण जा रहा था पालकी में बैठकर ज्ञान लेने कपिल भगवान से, लेकिन ज्ञान लेने जा रहा है अभिमान साथ लेकर, मैं राजा। रास्ते में कहार की तबीयत बिगड़ गई तो सबने कहा पालकी कैसे चलेगी, तीन तो नहीं उठा सकते।
तो राजा ने कहा किसी को भी पकड़ लाओ, अपनी प्रजा है उसको धन दे देंगे। उनको कोई और मिला नहीं, उनको मिल गए भरत जी। कार लोगों ने सोचा कि ये शरीर से भी खूब हृष्ट पुष्ट तो है ही, ये पालकी पे लगेगा तो हम पे भी जोर कम पड़ेगा। भरत जी से कहा पालकी पे लगो, भरत जी का लग गए, भरत जी तो भरत लग गए पालकी। अब पालकी चलने लगी, चलते 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 कहते एक चींटी नीचे आई। भरत जी ने नीचे देख रहे, भरत जी ने सोचा कि चींटी पे पैर पड़ गया, चींटी मर गई, फिर अगली जन्म में हमें भी चींटी बनना पड़ेगा, अरे बड़ा चक्कर है, नहीं 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 ये गलती नहीं करेंगे। तो भरत जी ने छलांग लगाई, उछले, और भरत जी उछले तो कंधे पर पालकी, ये तो देखा नहीं, तो पालकी उछली, और पालकी उछली तो रघुगण का सिर लगा पालकी। नाटदेव उसने करे मूर्ख कौन है, चलना नहीं आता, कैसे चलते हो? सबने कहा महाराज नया नया है, सीख जाएगा, आराम से चलो। रघुगण ने कहा आगे चले, फिर चींटी आई, भरत जी फिर उछले, रघुगण का सिर फिर लग। अब तो रघुगण क्रुद्ध होकर के बोला रे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता, मैं सिंधु सोमी देश का राजा रघुगण हूं, तेरी चिकित्सा करूंगा, तुझे दंड दूंगा। और ये कहकर रघुगण ने झांक करके देखा भरत जी को, और खूब हृष्ट पुष्ट शरीर तो है। तो रघुगण बोला अरे बड़े कमजोर हो लगता है, पालकी नहीं उठ रही। अच्छा व्यंग करते हुए कहा भरत जी तो खूब हृष्ट पुष्ट है, बड़े कमजोर हो लगता है। ऐसा कहते कहते रघुगण की नजर पड़ गई, रघुगण बोला मैं तेरी चिकित्सा करूंगा दुष्ट। कहते भरत जी ने मुस्कुरा कर कहा अरे राजन तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे, दंड तो शरीर को दिया जाता है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है, न तो उसे कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई बहा सकता है। और रघुवर ने जब ये वाक्य देखा तो ध्यान से देखा भरत जी की, तो भरत जी का यज्ञोपवीत दिख गया। अरे रघुवर समझ गया ये तो कोई ब्राह्मण है। भरत जी को देखकर रघुगण पालकी से कूदा और सीधे भरत जी के चरणों में चरण पकड़े, महाराज मुझे क्षमा कर दे। भरत जी ने कहा क्षमा क्यों मांग रहे हो? रघुगण ने कहा इसलिए मांग रहा हूं कि मैं किसी से नहीं डरता। भरत जी ने कहा मतलब? तो रघुगण ने भागवत के पंचम स्कंद में कहा नाहं विशंके सुरराज वज्रान नात्र्यक्षसूलान नयमस्य दंडात नाग्न्यर्कसोम नितविल्लपास्त्रात् छंके भृशं ब्रह्मकुलाभिमानात्। महाराज मैं इंद्र से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं भगवान विष्णु के चक्र से नहीं डरता, मैं इंद्र चंद्र कुबेर वरुण अग्नि किसी से नहीं डरता। भरत जी ने कहा तो मेरे चरणों में क्यों पड़ा है? रघुगण बोले मैं डरता हूं तो केवल आप जैसे ब्राह्मणों से डरता हूं। भरत जी ने कहा भाई हमसे क्यों डरते, हमारे पास क्या है? भरत जी की बात सुनकर रघुगण बोला महाराज एक बार यदि देवता किसी को मार दे तो वह अगले जन्म में फिर पुनः पुण्य करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, सदगति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक बार आप जैसे भक्त, आप जैसे ब्राह्मण, आप जैसे संत जिस पर रुष्ट हो जाते हैं वह केवल वही नरक नहीं जाता, अपने साथ अपने अनंत पितरों को लेकर नरक को प्रस्थान करता है, इसलिए ही महाराज मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं भरत जी रघुगण को समझाने लगे, भरत जी कहते हैं रघुगण मैं मान अपमान सम्मान से परे हूं, तुम न तो मेरा सम्मान कर सकते हो न अपमान कर सकते हो, अरे मैं तो आकाश की तरह हूं, जैसे आकाश को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता वैसे मुझे भी तुम कष्ट नहीं पहुंचा सकते। कहते हैं यहां रघुगण ने अनेक प्रश्न भरत जी से किए हैं और भरत जी ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए हैं। अको विदह को विदवेदमानान वदस्य थो नाति विदां वरिष्ठ। और अंत में भरत जी ने सबसे कहा, भरत जी कहते हैं रघुगण से अरे राजा अरे रघुगण
तुम बार बार कहते हो कि मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं रघुगण हूँ, मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूँ। भरत जी कहते हैं, रघुगण एक बात बता, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रघुगण ने कहा, नहीं महाराज, आप बताइए आप कौन हैं। भरत जी बोले, राजर्षि भरत का नाम सुना है? रघुगण ने कहा, हाँ महाराज, वो तो बहुत समय पहले हुए और वो पूरी धरती के राजा थे, चक्रवर्ती थे, सम्राट थे। भरत जी बोले, बोले आज से 2 जन्म पहले मैं ही था, लेकिन अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवद ई हमानो मृगो भवम मृग संगाधितार्थ। एक मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई और राजन अगले जन्म में मृग बनना पड़ा और इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए ये अभिमान ये छोड़ो, भगवान का भजन करो। अच्छा एक बात और आपको बताऊं, हमने संतों से सुना है, देखो भरत जी ने तो कुसंग किया मृग से, इसलिए उनको मृग बनना पड़ा, लेकिन उस मृग ने तो सत्संग किया, किया कि नहीं? अपने से बड़े भरत जी का संग किया, उसका क्या हुआ? एक संत भाव देते हुए कहते हैं, बोले ये जो रघुगण है ना, ये वही मृग का बच्चा है जिसमें भरत जी को आसक्ति हो गई थी, और आज भरत जी उसी का कल्याण करने के लिए, क्योंकि भरत जी ने कहा, एक बार जो संतों का संग कर लेता है फिर उसे जगत में नहीं भटकना पड़ता, इसलिए भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिया। ये वही है, वही मृग का बच्चा है जिसके कारण भरत जी को अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, लेकिन आज भरत जी के आशीर्वाद से रघुगण का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। यहाँ भागवत के 5वें स्कंद में खगोल भूगोल का बृहद वर्णन है, ग्रहों का वर्णन है, तो 28 नरकों का वर्णन शुकदेव जी ने 5वें स्कंद में किया है। तामिस्त्रो अंधतामिस्त्रो रौरवो महारौरवो कुम्भिपाकालसूत्रमसिपत्रवनं शूकरमुख्यमन्दकोपकृमि भोजन संदष्टस्तप्तसूर्मिर्वज्रकण्डकजाल्मलि धनमवीचीरैपानविदीक्षारकरदमो रक्षोकण भोजन इत्यादि 28 नरकों का वर्णन शुकदेव जी 6वें स्कंद में प्रवेश करें। जब परीक्षित जी घबराए कि महाराज जो अनावश्यक किसी छोटे से जीव को भी मारता है तो अगले जन्म में उसे उसका पाप भोगना पड़ता है, तो विचार करिए, मैंने सुखदेव जी कहते हैं, राजन दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण प्लावितेन स्मरेण उच्चै राजहावक कुलेन्द्रिय। या अजामिल उपाख्यान की कथा सुखदेव जी ने सुनाई, अजामिल का अंतकाल में कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, और भगवान नाम की कितनी महिमा है शुकदेव जी ने यहाँ वर्णन की है। भगवान नाम की इतनी महिमा है, मानस में तो कहा ही गोस्वामी जी ने, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। और यहाँ श्री तुलसी जी भी उसी वाक्य को कहे, ओ भगन संदष्ट स्तप्त हरिवसे नरहतियातना। सीता राम राधे श्याम जप करा, सीता राम राधे श्याम गुतरा, दिन को मन की चोला भज करा, दिन को मन की चोला भज करा, चोला भज करा।
सत्संग माने के सभी हरि नाम बोला, सत्संग माने के सभी हरि नाम बोला। जीवन को मोल क्या च सोच करा, जीवन को मोल क्या च सोच करा, जीवन को मोल क्या च सोच करा, जीवन को मोल क्या च सोच करा। Oh,
मन की छोला भज करा हरी हो, जन को मन की छोला भज करा हरी हो, जन को मन की छोला भज करा हरी हो, जन को मन की छोला भज करा हरी हो, जन को मन की छोला भज करा हरी हो, जन को सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। तो इसलिए भैया नाम की बड़ी महिमा, कहते राम न सकही नाम गुण गाए, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा यदि कुछ है तो कौन है, बोले भगवान का नाम, नाम ही से बड़ा नाम। तो अगर आपके पास राम जी नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन यदि राम का नाम आपके पास है, राम जी न भी हो तो भी कल्याण हो जाए, ये नाम की महिमा। भागवत के अष्टम स्कंद में प्रारंभ में मनवंतरों का वर्णन है, और मनवंतरों के वर्णन में गजग्राह का चरित्र श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय में है, जहां गजेंद्र पर भगवान हरि ने कृपा, जिसको आप और हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं, जो दुष्स्वप्न है आप इसका नाश करें, तो भगवान रक्षा करते हैं। दूसरा, कोई संकट की घड़ी हो, कोई बड़ा संकट आने पड़े, तो सरोवर के किनारे, इसका महत्व सरोवर के किनारे है, तो सरोवर के किनारे बैठ करके गजेंद्र चाहिए, जिससे भगवान भक्त को बड़े बड़े संकटों से उबार देते हैं। जैसे भगवान ने गजेंद्र को उतारा गजेंद्र मोक्ष में, गजेंद्र कहते हैं बड़ी सुंदर गजेंद्र मोक्ष, पूरा अध्याय ही है ईसा जी के कहे हुए हैं। शुरू में तो एक पहला श्लोक सुखदेव जी ने कहा है, श्री सुगवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधायं मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं राज्जन्मन्यनुशिक्षितम्। देव जी ने कहा भी है कि थोड़ा जलपान कर लो, जैसे हमने आपसे चर्चा की, लेकिन परीक्षित जी का वाक्य है यहाँ। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं, नैषाति दुःसह क्षुण्मा व्यक्तो दमभिबाधते पिबन्तं पन्मुखां भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। बोले जिसको भगवान की कथा मिल रही है वह सामान्य जल और भोजन का क्यों रसास्वादन करे, इसलिए आप अपनी कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन इसी चंद्रवंश में राजा हुए और उनका नाम हुआ उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र हुए, उग्रसेन के अन्य भी पुत्र थे, लेकिन जो बड़े हैं उनका नाम है कंस। उग्रसेन महाराज के मित्र है, उनका नाम है सूरसेन, और सूरसेन जी के पुत्र है श्री वसुदेव जी महाराज। कहते हैं जैसे उग्रसेन जी और सूरसेन जी परम मित्र हैं, वैसे ही कंस और वसुदेव जी भी परम मित्र हैं। समय बीता, यहाँ उग्रसेन महाराज के छोटे भाई हैं, उनका नाम है देवक, और देवक की पुत्री है, उनका नाम है देवकी। कंस की वैसे तो अपनी भी कंसावती इत्यादि सगी बहनें हैं, लेकिन कंस को देवकी से बड़ा प्रेम है, जबकि देवकी जी सगी बहन नहीं है कंस, क्योंकि उग्रसेन जी के छोटे भाई देवक की पुत्री हैं, तो उनके चाचा की पुत्री है देवकी जी, लेकिन बड़ा प्रेम करते हैं कंस देव, बड़ा आदर। देवकी जी भी बड़ी शीलवती है, देवकी जी भी बड़ी गुणवती है, तो सदा भैया का ध्यान रखती है, लेकिन कंस तो महाराज महान दुष्ट, बड़ा पापी, राज्य के लोभ में आकर माता पिता को कारागार में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा पर शासन करने लगा। एक दिन कंस को चिंता हुई कि मैं देवकी का विवाह कहाँ करूं, तो कंस ने सोचा कि वसुदेव जी मेरे परम मित्र हैं और इनसे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा, तो श्री वसुदेव जी के साथ विवाह तय कर दिए। वसुदेव जी के साथ विवाह तय हुआ। अच्छा, वैसे अन्य भी वसुदेव जी की कई पत्नियां हैं, जैसे मदिरा, रोचना, इला इत्यादि पत्नियों का वर्णन भी भागवत जी के नौम स्कंद में प्राप्त होता है, और रोहिणी इत्यादि पत्नियां हैं, लेकिन
जब कंस ने आग्रह किया तो फिर वसुदेव जी ने विवाह स्वीकार किया। यहाँ बड़े धूमधाम से देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ। कंस स्वयं सारथी बनकर के देवकी वसुदेव जी को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब देवकी के रथ को कंस चलाने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। अरे मूर्ख, जिस बहन के रथ को तू इतने प्रेम से हाँक रहा है उस बहन की ही आठवीं संतान तेरा वध करेगी आकाशवाणी। कंस भयभीत हुआ, हंसने लगा, तलवार निकाल ली, जब बहन ही नहीं बचेगी तो पुत्र कैसे होगा। केश पकड़ लिए देवकी जी के और मारने को उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी ने कंस को समझाया, कंस के चरण पकड़े, साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाई। वसुदेव जी ने अंत में समझाए, कहा, माया तुम इन्हें देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो माया ने श्री भगवान शेष को देवकी जी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, आकर्षण किया, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी हुआ। सबको तो यही लगा कि देवकी की सातवीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और शुभ समय आने पर आई, द्वितीय आ गई, तृतीय आ गई, चतुर्थी गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, सप्तमी गई और अब आ गई अष्टमी। अष्टमी के सूर्योदय ने भारत वर्ष को धन्य कर दिया, सूर्यास्त हुआ, निशानाद चंद्रमा आकाश में उदित हुए और निशानाद चंद्रमा प्रकट हुए। भगवान के प्रागट्य का समय हो गया है, देवता आकाश में छा गए, चंद्रमा ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया, देवता भगवान की गर्भस्तुति करने लगे। सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अंतर स्तुति देवताओं ने की और यहाँ भगवान के प्रागट्य का शुभ समय आया। कहते हैं भगवान पि विश्वात्मा भक्तानां अभयं। भगवान देवकी और वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। बोले वेद पुरुष भगवान की जय। भगवान देवकी और वसुदेव जी के सम्मुख प्रकट हुए हैं। सबसे पहले भगवान ने देवकी को दर्शन दिया, या देवकी सर्व जगत निवास निवास भूतात्मनितां मरे जय। कहते हैं और जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं, पहले देवकी मैया को दर्शन दिया, फिर वसुदेव जी को दर्शन दिया। वसुदेव जी से भगवान कहते हैं, पिताजी आप एक कार्य कीजिए, हमें छोड़ आइए गोकुल, शुभ समय आने पर मैं लौटूंगा और इस पापी दुष्ट कंस का संहार करूंगा। कर्मण्य वादिगारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं वसुदेव जी ने जो उठने का प्रयास किया बेड़ी पर रखा और चले भगवान। सुख जानते हैं, नहीं जानते, जिसमें धान छानते हैं आप क्या कहते हैं? अच्छा, तो उसमें आप जानते हैं, उसमें वसुदेव जी लेके चले भगवान। विशेषता है, हमारी माताएं उसका प्रयोग तो करती हैं पर उसकी विशेषता नहीं बता पा। उसमें विशेषता है, उसका एक नाम और है, उसको कहते हैं गुणग्राही। क्या कहते हैं? गुणग्राही। उनके मार्ग में यमुना जी, विशाल यमुना की धारा, आकाश में मेघ छा गए, मंद मंद धीमी धीमी बरखा बरसने लगी और वसुदेव जी जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, महाराज यमुना जी तो उफान पर चढ़ गए, यमुना जी पड़ने लगे, कंठ तक डूब गए वसुदेव जी। अब तो भगवान ने यमुना से कहा, क्यों अरे यमुने, क्या हमें डुबाने का विचार है? यमुना जी बोले, डुबाने का विचार नहीं हमारा, तो बोले आपका चरण छूना चाहती। भगवान बोले, तो तुम्हारे तट पे रहेंगे, यही खेलेंगे, यही पले बढ़ेंगे। तब यमुना जी ने कहा, काल करे सो आज कर, कल के ऊपर नहीं रखना आज। तो भगवान ने चरण बढ़ाया है और यमुना जी ने भगवान के चरण का स्पर्श किया, यमुना जी तुरंत घट गई
और अब वसुदेव जी आ गए गोकुल। गोकुल में यशोदा जी के भवन में भगवान ने श्री कृष्ण को भगवान को सुला दिया और यशोदा जी के बगल में जो एक कन्या सोई थी उस कन्या को पुनः सूप में रख लिया और श्री वसुदेव जी महाराज पुनः लौटे मथुरा को। जो माया सिर पे आई तो बंधन लगे, वापस पहुंचे तो द्वार लगने लगे, ताले लग गए और अपनी जगह पहुंचे तो माया बेड़ियां लग गई, द्वारपाल जाग गए। अब तो उस कन्या ने रोना शुरू किया और जैसे ही वो कन्या विलाप करने लगी सब चिल्लाए, महाराज महाराज आपका काल प्रकट हो गया। कंस हाथ में खुली तलवार लेकर दौड़ा, जल्दी जल्दी ताले खुलवाए, दरवाजे खुलवाए और दौड़ करके कंस सीधे देवकी वसुदेव जी के पास पहुंचा। देवकी से बोला, देवकी ये आठवां पुत्र मुझे दे दे, ये मेरा काल है, ये मेरी मृत्यु है, मुझे दे दे। कहते देवकी जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया पर ये तो बेटी है, पुत्री है, इसे छोड़ दो। कंस ने कुछ विचार किया और फिर कहा, नहीं नहीं मैं महिषासुर जैसा मूर्ख नहीं, अरे उसने भी स्त्री को निर्बल समझा था और अंत में स्त्री के हाथ से ही मारा गया। कोई भरोसा नहीं, वो कभी मनुष्य बनकर आता है तो कभी स्त्री बनकर के भी आता है, मोहिनी अवतार लेकर के आता है। नहीं नहीं झील ली वो कन्या, कंस ने सोचा पटक दूंगा मर जाएगी। जो उस कन्या का चरण पकड़कर पटकना चाहा वो कन्या कंस के हाथ में लात मारकर आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी दुर्गा का रूप उस कन्या ने धारण किया। ओम नमस्ते स्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते बोले जगदम्बे मैया की जय। भगवती अष्टभुजा हो गई और माँ ने कहा, अरे मूर्ख किम मया हतया मंदह जात खलतवंत कृत, अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में आ चुका है। ऐसा कह के भगवती अंतर्ध्यान हो गई। कंस भयभीत हो गया, देवकी वसुदेव जी से क्षमा मांगी, कारागार से उनको मुक्त किया। लेकिन हम छोड़ें कंस को, चलें अपने गोकुल। गोकुल में प्रातः काल का समय है, यशोदा जी जागी नहीं और यहाँ भगवान सोच रहे हैं, बताओ पैर पर खड़े रहते हैं और धन्य है मेरी माँ जो अब तक सोई है, मैं यहाँ इसके बगल में हूँ। कहते नंद जी की बहन है, उनका नाम है सुनंदा और भाभी की देखभाल करने के लिए आई है। तो आज झांक कर देखा ठाकुर जी रो रहे, तो बालक के रोने की आवाज सुनी, देखा आनंद, भाग्य खुल गए तेरे घर, लाला भयो है, बड़ा आनंद हो गया। सुनंदा जी दौड़ी, एक बाल से पूछा भैया कहाँ है, तो उस बाल ने कहा कि वो तो गौशाला में है। दौड़ी सुनंदा जी गौशाला में पहुंची। श्री नंद जी चिंतित है, उद्विग्न है, न जाने संतान होगी कि नहीं होगी। इतने में सुनंदा दौड़ते हुए आई, भैया ऐसी खबर लाई हूँ, सुनोगे तो नाच उठोगे। नंद जी ने कहा बता तो सही बात क्या है। सुनंदा ने कहा बताऊंगी लेकिन सुनोगे तो सुन नहीं पाओगे। नंद जी ने कहा बता तो सही। सुनंदा ने धीरे से बाबा के कान में कहा, नंद घरा नंद भयो। जैसे ही बाबा ने सुना आनंद हो गया नंद जी को, दौड़ पड़े नंद जी ब्रज में खबर लगा दे, जाओ ब्रज में खबर लगा दो, नंद घरा नंद भयो। तो आइए आप करना है नृत्य करेंगे और प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव की उत्सव मनाएंगे। उससे पूर्व आप सभी लोगों को हमारी ओर से कृष्ण जन्म की हार्दिक शुभकामना, हमारी यजमान परिवार को आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और आइए भगवान को ले आएंगे और आप कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया।
आज की चंद्र भगवान मेरे सभी लोगों से निवेदन Thank you.
आरती रात्रि काल की होती है, उसके पश्चात 7:30 बजे से कीर्तन होगा। तो आप सभी होगा डगली रजायत आरती बाल कृष्ण की सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा का नन सो प्यारो इन पे प्राण मुझावर कीजे आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया कनुबा कही कही बोलत मैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुबा सखा संग खेलत सुख पावे सोई सुप्रति जो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजे आरती बार कृष्ण की शांति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साईने नमो वयं वै श्रणाय कूर्महे शमी कामान काम कामाय मह्यं कामेशरूपे श्रणो ददातु कुवीराय वै श्रणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतचक्रत विश्वतो मुखो विश्वतो भावृत विश्वत स्वमति संपदत्रे यावा भूमि जलय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नि च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनी वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम सीवन्ति गावकुलचं भगमाडलाब्जे पुण्यं गजातिकरवीलरसालपुष्पे बिल्वं प्रबालतुलसीधानोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणं परमे भागवत महापुराणे की।